नमस्ते, कुक विद नीलम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मथुरा के पेड़े बनाएंगे। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए। 1 चम्मच इलायची के दाने, 1/2 कप चीनी, चुटकी भर टाटरी, 2 चम्मच कटे पिस्ता, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 कप बूरा, 1/4 कप मावा और 3.5 गिलास दूध। पेड़े हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे क्योंकि इसमें मावा अच्छी तरह भुनता है। कढ़ाई में दूध डालेंगे, इसे गर्म होने देंगे। अब टाटरी डालेंगे, इसे लगातार चलाएंगे, दाने बनने लगे हैं। अब हम इसमें मावा डालेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब चीनी डालेंगे, अच्छी तरह चलाएंगे। हमारा दूध गाढ़ा होने लगा है। हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें थोड़ा दूध डालेंगे, फिर इसे भूनेंगे। फिर दूध डालेंगे और भूनेंगे। ये प्रोसेस हम 4-5 बार करेंगे जब तक हमारे मावे का कलर चेंज नहीं होता। मावे का कलर काफ़ी चेंज हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। मावा ठंडा हो गया है, अब इलायची पाउडर मिलाएंगे, बूरा मिलाएंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम पेड़े बनाएंगे। छोटा गोला बनाकर इसे बूरे में लपेटेंगे, इलायची के दाने लगाएंगे, पिस्ता लगाएंगे, इस तरह से पेड़ा तैयार करेंगे। इसी तरह हम बाकी के पेड़े बना लेंगे। हमारे मथुरा के पेड़े बनके तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।